हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज है देखो भाई छोटी दिवाली और कल है बड़ी दिवाली, यानी कि कल है दिवाली का दिन। तो यहां पे बहुत से लोग कल तो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, तो यहां पे मैं आप लोगों को पहले से ही बोल रहा हूं कि हैप्पी दिवाली। और 12 बजने में सिर्फ 1.25 घंटे बाकी हैं और आप भी यहाँ पे नीचे कमेंट में मुझे हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे वही घिसा पिटा डायलॉग आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कॉमेंट ज़रूर करें हैप्पी दिवाली का। तो बात करते हैं देखो सनी पाजी की मूवीज़ की। यहाँ पर लाहौर 1947 का ऑफिशियली अनाउंसमेंट का या पोस्टर का उसका इंतज़ार है बहुत से लोगों को। फिर बॉर्डर 2 है, उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आना था। तो कल 31 अक्टूबर है, ये पूरे मंथ का आखिरी दिन, और जिसमें मेकर्स ने बोला है कि हम अक्टूबर में लेके आएंगे, इसलिए हम आखिरी सांस तक इंतज़ार करेंगे कि बॉर्डर 2 का हो सकता है कि कल कुछ आ जाए। तो यहाँ पे जितनी मुझे जानकारी है ना वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। और बहुत से लोग आप भी पूछ ही रहे थे कि आप लोग इस पे क्यों वीडियो नहीं बना रहे, तो इस पे मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आया हूँ। छोटी मोटी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी मैं नहीं रखने वाला हूँ। बात करते हैं SGGM यानी कि जाट की। मोशन पोस्टर आना था, नहीं आया। फिर सफ़र मूवी की। तो यहाँ पे जितनी भी मूवीज़ अभी सनी पाजी की लाइन में लगी हुई हैं जो बड़े पर्दे पे, जाट है, ऑफकोर्स जाट आनी है। फिर लाहौर 1947 भी है। तो यहाँ पे क्या लाहौर 1947 से कल हमें कुछ देखने को मिल सकता है? बहुत से लोग आस लगा के बैठे हैं कि आएगा यार, कुछ तो आएगा। हो सकता है कि आज अनाउंसमेंट नहीं करी डायरेक्ट मेकर्स, कल ही कुछ ना कुछ यहाँ पे हैप्पी दिवाली बोलने में लाहौर 1947 कुछ यहाँ पे लिख दें। तो देखो मैं आप लोगों से यहाँ पे क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि आस ज़रूर लगाओ, उम्मीद ज़रूर लगाओ, और यहाँ पे इंतज़ार भी करो कि यहाँ पे मेकर्स कुछ भेजें। और तो और मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई जाके ना आमिर खान प्रोडक्शन पे जो ट्विटर हैंडल है भाई, वहाँ पे ना जाके ट्वीट मारो और ट्रेंडिंग पे तो चलाओ। सनी पाजी का, सनी देओल साहब का ट्विटर पे ट्रेंड ही नहीं चल रहा है। और भी देखो आप लोग जाके, प्रभास का ट्रेंड चलता है, सनी पाजी का कोई ट्वीट ही नहीं करता है। तो भाई ट्वीट भी तो करो एक, उससे भी तो देखा जाता है कि ट्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा। और भी तो कितने और स्टार्स हैं, उनके जो फैंस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टार्स का वो एक सिंबल नाम हो गया, मूवी हो गई, भाई वो ट्रेंडिंग पे चलाते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। और सनी पाजी का सिर्फ उसी वक्त चलता है, और मैं तो कह रहा हूँ जब जाट का पोस्टर आया था उस वक्त में वो ट्रेंडिंग पे चला ही नहीं था। अब ये जो वीडियो है ना, ये आप ट्विटर पे जाके इस वीडियो को अपलोड कर देना ताकि वहाँ पे भी लोगों को पता चले सनी पाजी के इतने फैंस हैं भाई, वो ट्रक भर के गए, इधर गए उधर गए गदर 2 देखने के लिए, जाट मूवी पे इतने ज़्यादा फैंस निकल गए, इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो भाई क्या ट्विटर पे कोई भी एक्टिव नहीं है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, ट्विटर पे कोई एक्टिव नहीं है? अगर है तो वो क्यों यहाँ पे ट्वीट नहीं करता? एक तरीके से आप अपनी एक कम्युनिटी क्यों नहीं बना रहे हो? बहुत से स्टार्स के फैंस ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है और पूरी यहाँ पे तैयारी चलती है। अभी देखो शाहरुख खान के जो फैंस हैं भाई, वो यहाँ पे पूरी तैयारी में है। आप यकीन नहीं करोगे, एक एक फैंस ने ऐसी ऐसी यहाँ पे प्लानिंग की हुई है कि भाई एक एक आदमी को 1,000 पोस्ट करने उस दिन। अब एक एक आदमी 1,000 पोस्ट करेगा तो सोचो उनके अपने फ्रेंड सर्कल में अगर 100 भी फ्रेंड हुए तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि 1,00,000 पोस्ट तो भाई ऐसे ही हो रहा है, बल्कि 1,00,000 से भी ऊपर जा रहा है भाई मामला। तो इस तरीके से ये लोग तो अपने स्टार्स का जो एक नाम है, मूवी का नाम है, वो ट्रेंड पे चलाते हैं, और ये लोग जब चाहें जब ट्रेंड पे चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड पे आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं चलता है। बताओ आपको इंतज़ार है, आपको चाहिए, तो आप ट्विटर पे पोस्ट क्यों नहीं करते हो? आप उस तरीके से काम क्यों नहीं करते हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप क्या समझ रहे हो? यहाँ पे तो फिर वही है कि मेकर्स जो है ना, सीधा मेकर्स यही सोचेंगे कि भाई सारा प्रमोशन हमें करना है, फैंस तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ एक्टिव होते तो ट्विटर पे धड़ाधड़ जो मैसेज जाते सनी पाजी से लाहौर 1947 के, कुछ भी नहीं जा रहा है। मुझे बताओ ज़रा, सारा ठंडा पड़ा है। शाहरुख खान का एक साल पहले 1.5 साल मूवी आने वाली है, शाहरुख खान के फैंस को मिलाओ और आप अपने आप को मिलाओ। तो शाहरुख खान के फैंस भाई आगे हैं आप लोगों से, आप अपने स्टार्स की कोई सी भी मूवी को ट्रेंड पे नहीं चला रहे हो, कोई भी यहाँ पे ट्वीट नहीं करता। मैं इतने दिनों से कोशिश करे जा रहा हूँ लेकिन मुझे भी देख के कोई यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि भाई चल ये कर रहा है तो हम भी ठीक है चलें, कोई भी नहीं। आप लोग ना तो जाट मूवी के मोशन पोस्टर के बारे में बात करते हो, ट्वीट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बस एक बार जब ही आया था, एक शुरू शुरू में जब बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट हुई थी ना,
जब ही यहाँ पे सनी पाजी का, सनी देओल का, वो या तो बॉर्डर टू का ट्रेंड हुआ था या सनी पाजी का हुआ था नाम, उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं। वाई, क्यों? इसका मतलब ये है कि आप सनी पाजी के फैंस नहीं हो। भाई देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कह रहा हूँ, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि प्रोडक्शन हाउसेस वाले करेंगे, भाई उनकी नज़रें सब पर हैं। आमिर खान कोई बेवकूफ़ आदमी थोड़ी है भाई, वो एक एक चीज़ पर नजर है कि भाई क्या चल रहा है। आप देखो प्रभास, सलार टू कब आएगी कुछ पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। देखो जाके ट्रेंड चल रहा है, एनिमल पार्क, स्प्रिट। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, एक बनानी पड़ेगी पूरी फ्रेंड सर्कल, 20, 50, 100, 200 बंदे, 300 बंदे। यहाँ पे आप लोग ये सोचो कि अगर आप लोग इस तरीके से बनाते फ्रेंड सर्कल, तो सनी पाजी का जो बर्थडे आया था उस दिन अगर आप धड़ल्ले से ये पोस्ट करते जिस तरीके से शाहरुख खान के फैंस कर रहे हैं, तो सोचो क्या यहाँ पे नज़ारा होता। लेकिन यहाँ पे ना दूसरों पे डिपेंड होना है, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे जाट मूवी की। देखो यहाँ पे जाट मूवी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्लियर कह रहा हूँ कि जाट मूवी से मुझे कोई उम्मीदें नहीं है कि कल कुछ आए। ये हो सकता है कि मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से यहाँ पे मुझे उम्मीदें नहीं है, कुछ आ जाए तो वेल एंड गुड है, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जितने मेरे सोर्सेस हैं, कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं है जाट से रिलेटेड। सफ़र मूवी से कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ना तो शशांक उदयपुरकर की तरफ से आ रहा है, ना विशाल राणा की तरफ से, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं कल इंतज़ार करूँगा कि कल क्या कुछ आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि रामायण मूवी से तो कल कुछ आ सकता है, कुछ आ सकता है रामायण से मुझे उम्मीद है। क्योंकि देखो आज जय हनुमान मूवी का एक पोस्टर आया जो कि मैत्री ने रिलीज़ किया है। अब उसमें जो ऋषभ शेट्टी हैं वो रोल करेंगे हनुमान का, जबकि हमने ये सुना था कि ये जो रोल है वो सनी देओल को मिलने वाला है। लेकिन चलो खैर, जो भी है, ऋषभ शेट्टी भी अच्छे लग रहे हैं, तो वो आज आ गया है। तो यहाँ पे उम्मीदें हैं कि कल कुछ आ सकता है रामायण मूवी से, मुझे है रामायण से मुझे है, वरना और किसी मूवी से मुझे कोई भी यहाँ पे उम्मीदें हैं नहीं। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग डेली बाय डेली आमिर खान प्रोडक्शन को ट्वीट करें। ये नहीं कि आमिर खान प्रोडक्शन को ट्वीट करें, लेकिन आप लोग इस पे भी काम करें कि हमें डेली बाय डेली सनी देओल की मूवीज़ या सनी देओल पे कुछ ना कुछ ट्वीट करना है। डेली अगर आप 3 से 4 ट्वीट करते हैं, तो धीरे धीरे जो चीज़ें वो आगे बढ़ेंगी, वो धीरे धीरे ट्रेंडिंग में जाएगा। तो इसी तरीके से फिर आप अपने जो स्पेसिस होते हैं ट्विटर पर, उस पर बात करिए, उस पर यहाँ पे जुड़िए, लोग जुड़ेंगे, फिर यहाँ पे आप अपनी प्लानिंग कीजिए। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लाहौर 1947 या जाट मूवी को रिलीज़ होने में 6 महीने मिनिमम मान के चलो, अगर जनवरी में कुछ भी नहीं आ रहा है तो 6 महीने बहुत बड़ा एक गैप है, इसमें आप लोग ये कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि देखो ये काम करना पड़ेगा, ट्रेंडिंग में चलाना पड़ेगा। अभी आप ये देखेंगे बर्थडे पे कुछ नहीं आया, तो आप लोगों के अंदर ताकत होती तो आप लोग उसको ट्रेंडिंग पे चलाते, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो भाई ऐसे थोड़ी होता है। मेहनत तो थोड़ी बहुत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, जभी तो प्रोडक्शन हाउसेस देखेंगे, जभी तो देखेंगे, जभी तो वो कुछ करेंगे। वो तो ये देख रहे हैं कि भाई कुछ तो है ही नहीं लाहौर 1947 से रिलेटेड, ये तो हमें ही करना पड़ेगा सारा का सारा प्रमोशन। तो इसीलिए बस यही तो सारे काम है, ये करने पड़ेंगे आप लोगों को। बाकी नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि मैंने जो ये इतना बड़ा लेक्चर दिया है, आपकी समझ में आया या नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।